टू डिफरेंट ऑर्बिटल को मिलाते हैं, जैसे टू डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज को मिलाते हैं तो हाइब्रिड कहते हैं, हाइब्रिड सीड भी मिलता है। लेकिन यहाँ पे केमिस्ट्री में टू डिफरेंट ऑर्बिटल को मिलाएंगे, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। तो आप कह सकते हैं, जैसे कि समझिए, एक आपके पास ये एस ऑर्बिटल है, ये दूसरा आपके पास पी ऑर्बिटल है, तो ये एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल को मिक्सिंग करेंगे तो एक एस ऑर्बिटल एक पी ऑर्बिटल दोनों मिलकर क्या बनाएगा, एस पी। यदि एक और एस ऑर्बिटल दो पी ऑर्बिटल बनाएंगे तो उसे क्या कहेंगे, sp2। यदि एक एस ऑर्बिटल और तीन पी ऑर्बिटल बनाएंगे तो उसे क्या कहेंगे, sp3। तो आपने क्या देखा, मिक्सिंग ऑफ टू और मोर देन टू ऑर्बिटल टुगेदर टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। तो आपने हाइब्रिडाइजेशन टर्म लाने के लिए हाइब्रिड किए, टू डिफरेंट ऑर्बिटल को मिलाए, या मोर देन टू डिफरेंट ऑर्बिटल, जब बड़े बड़े कंपाउंड में कंप्रेस कंपाउंड पड़ेंगे तो द मिक्सिंग ऑफ टू और मोर देन टू ऑर्बिटल्स टूगेदर टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल क्या हो रहा है, मिक्सिंग ऑफ टू और मोर देन टू ऑर्बिटल टूगेदर टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। अब आप ये जानना चाहेंगे सर, अल्केन अल्किन अल्काइन का हाइब्रिडाइजेशन हम निकालें कैसे, समझेंगे कैसे, बहुत आसान है, बहुत इजी है, इसके साथ इसकी ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करा देंगे। देखिए, आपको डिटरमाइनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आपने तीन नाम सुना होगा, एक नाम अल्केन, जिसको अल्केन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रहता है तो आप क्या कहते हैं, अल्केन। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पढ़ाए हैं तो क्या कहते हैं, अल्कीन। और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो उसे क्या कहेंगे, अल्काइन। तो इसलिए से आप अल्केन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड को आपने क्या नाम दिया, अल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड को आपने नाम दिया अल्काइन। तो आपने देखा, सिंपल बात देखिए, हर कार्बन को फोर बॉन्ड होते हैं तो फोर सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन यहां पे दो सिग्मा बॉन्ड हट के एक एक्स्ट्रा बॉन्ड जो आया उसे हम कहते हैं पाई बॉन्ड। तो आप एक पाई बॉन्ड हो गया तो तीन ही सिग्मा बॉन्ड होगा, तो अब आपके पास यहां पे दो सिग्मा बॉन्ड हट के यहां एक पाई बॉन्ड, और नीचे भी एक पाई बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड हटता है नीचे का तो एक पाई बॉन्ड बनता है। तो यहां पे कई पाई बॉन्ड बना बताइए, दो पाई बॉन्ड। लेकिन हर कंडीशन में कार्बन का फोर बॉन्ड है, 1 2 3 4, 2 and 2 4 3 and 1 4। लेकिन यहां पे ध्यान दीजिए, सबसे ट्रिक वाली बात ये है कि आप पाई बॉन्ड पे ध्यान दीजिए, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, नंबर सिग्मा बॉन्ड पे टाइम लगाइएगा तो आपका टाइम बहुत स्पेंड कर जाएगा। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड पे ध्यान दीजिए, नो पाई बॉन्ड, इसमें पाई बॉन्ड है नहीं है, बोलिए नो पाई बॉन्ड। जैसे नो पाई बॉन्ड, जिसके पास पाई बॉन्ड नहीं है तो उसे आपने क्या नाम दिया, sp3। इसमें क्या पाई बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड, बोलिए 1 पाई बॉन्ड, उसे क्या कहेंगे, sp2। और जिसके पास 2 पाई बॉन्ड आ जाए, इसके पास कितने पाई बॉन्ड हो गए, 2 पाई बॉन्ड, उसे आप लोग कहेंगे sp। तो इस प्रोसेस पे, इस आधार पे sp3 sp2 sp यही थ्री टाइप के हाइब्रिडाइजेशन आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मिलेंगे। तो इस चीज को आप देखिए, इस चीज को बताने जा रहे हैं, तो आप कहिएगा, इफ कंपाउंड कॉन्टेन 4 सिग्मा बॉन्ड, कितने सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड, याद कर सकते हैं नो पाई बॉन्ड, तो उसे आप
वोट सी कॉम्पाउंड एसपी3 या नो पायरोन कहेंगे तो भी एसपी3 अल्केन के लिए। फिर कहेंगे इफ वन कार्बन एटम कॉन्टेंट, इफ वन कार्बन एटम कॉन्टेंट, इफ कंपाउंड कॉन्टेंट की जगह पे यदि आप इफ वन कार्बन कॉन्टेंट लिख देते हैं, इफ वन कार्बन एटम कॉन्टेंट, किसी कंपाउंड में किसी एक कार्बन एटम का यदि निकालें तो और अच्छी बात है। इफ वन कार्बन एटम कॉन्टेंट फोर सी कॉमन एसपी3, इफ वन कार्बन एटम कॉन्टेंट थ्री सिग्मा बॉन्ड एसपी2, थ्री सिग्मा बॉन्ड का मतलब हो गया आपके पास वन पायरोन, वन पायरोन थ्री सिग्मा बॉन्ड फोर बॉन्ड हो गया एसपी2, तो एसपी3 एंड एसपी2। अब बताइए इफ किसी कंपाउंड में यदि वन कार्बन एटम में कंसेंट्रेट करके रखिए, इफ वन कार्बन एटम कॉन्टेन कितने सिग्मा बॉन्ड, अब बोलिए टू सिग्मा बॉन्ड, तो टू पाई बॉन्ड, टू सिग्मा बॉन्ड टू पाई बॉन्ड फोर बॉन्ड वन आउट। तो आपने इस कंडीशन में आप क्या कहेंगे ऐसे, तो पहले आपने जाना अल्केन एल्कीन एल्काइन, तो अल्केन में आपके पास नो पाई बॉन्ड एसपी3, वन पाई बॉन्ड एसपी2, टू पाई बॉन्ड एसपी3। इससे फायदा क्या, इसके पास आप कुछ कंपाउंड देंगे उसमें से आप कैसे पकड़ेंगे कौन sp3 है कौन कार्बन एटम किसी कंपाउंड में sp2 कार्बन एटम है, ये आप सबसे ज्यादा कंसेंट्रेट रहते हैं नंबर ऑफ पाई बॉन्ड पे, यदि नंबर ऑफ नो पाई बॉन्ड sp3 वन पाई बॉन्ड sp2 है टू पाई बॉन्ड sp। देखिए जैसे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आइए इस sp3 sp2 और sp, इस पे कुछ एग्जांपल आपको दिखाते हैं कैसे पकड़ेंगे। आपके पास हम CS3, CS2, C ट्रिपल बॉन्ड C है, CS डबल बॉन्ड CS2। आराम से देखिए आपका ध्यान रहना चाहिए, कंसंट्रेशन रहना चाहिए नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, इसमें टू पाई बॉन्ड, इसमें कितने पाई बॉन्ड है वन पाई बॉन्ड, बोलिए नो पाई बॉन्ड sp3, नो पाई बॉन्ड sp3, टू पाई बॉन्ड sp, टू पाई बॉन्ड को क्या बोले करेंगे हम लोग sp2 पाई बॉन्ड sp, वन पाई बॉन्ड sp2, इसके पास वन पाई बॉन्ड sp2। आराम से आप पकड़े कि जिसके पास पाई बॉन्ड नहीं है वो sp3, इसके पास वन पाई बॉन्ड वो sp2 है, जिसके पास टू पाई बॉन्ड वो क्या हो गया sp। बहुत आसान है, फिर कंसंट्रेशन ध्यान दीजिएगा, समझ रहे हैं। देखिए सबसे पहले आप क्या रिप्रेजेंट कीजिएगा पाई बॉन्ड, अब बताइए पाई बॉन्ड इसके लिए सिर्फ कॉमन है या पाई बॉन्ड दोनों के कॉमन है, इसके पास पाई बॉन्ड, इसके पास वन पाई बॉन्ड, इसके पास सभी के पास वन पाई बॉन्ड, वन पाई बॉन्ड का मतलब कैसा है जैसा कहेंगे बोलिए sp2, क्या कहेंगे sp2। नेक्स्ट एग्जांपल्स, फिर इसके बाद आप देखिए अब CS3, CS डबल बॉन्ड CS, CS या सी ट्रिपल बॉन्ड CH। अब बताइए वन पाई बॉन्ड, इसके पास टू पाई बॉन्ड, इसके पास नो पाई बॉन्ड, बोलिए फिर से नो पाई बॉन्ड sp3, बोलिए कॉमन है वन पाई बॉन्ड sp2, बोलिए टू पाई बॉन्ड sp। कितना आसान है। अब आइए एक एक ऑब्जेक्टिव हम देंगे आपको, इस तरह की स्ट्रक्चर बना देंगे, ये डबल बॉन्ड, इस कार्बन के पास फोर बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड CH, CS2 एंड CS3। आप बताइए यदि ये पायरोन और ये पायरोन आप देते हैं तो नो पायरोन आप sp3 कहेंगे, वन पायरोन आप sp2 कहेंगे, ये भी वन पायरोन sp2 कहेंगे, नो पायरोन sp3 कहेंगे कि नहीं। लेकिन इस पॉइंट पे देखिए यह कार्बन एटम को इधर से भी एक पायरोन, इधर से एक पायरोन, तो कॉमन क्या पायरोन हो गया टू पायरोन, इसके पास दो पाई बॉन्ड होने के कारण यहां पे यह कार्बन एटम आपका कैसा आरक्षित हो जाएगा sp। तो इस तरह आप पकड़ सकते हैं कौन sp3 है कौन sp2 है कौन sp है। अब इसका कुछ ज्योमेट्री टाइप में किस तरह पढ़े जो कुछ ऑब्जेक्टिव में है तो और होगा, तो आइए देखते हैं।
हमने आपको तीन हाइब्रिडेशन आपको बताया, अल्केन, एल्कीन, एल्काइन का sp3, sp2, sp3। अब बताइए, आपने सबसे पहले जिसे आपने मीथेन नाम दिया, जैसे CH4 लिखते होंगे, CH4। देखिए, ऐसा स्ट्रक्चर लिखने के बाद ये A1 कार्बन के पास पूरा हाइड्रोजन, ये एंगल बनेगा जिसकी 109.5 डिग्री 28 मिनट आप कर सकते हैं। पूछेंगे ये कैसा स्ट्रक्चर है, तो आप कहेंगे टेट्राहेड्रल। जैसे आप sp2 की बात करते हैं, जब उसके पास 1 pi bond आता है, वह sp2 हाइब्रिडाइजेशन जिसकी एंगल आपका बनेगा 120 डिग्री, यह हो गया आपका ट्राइगोनल प्लेनर। कैसा हो गया? और लास्ट आपका हाइब्रिडाइजेशन जो आप एल्काइन कहते हैं sp, उसकी एंगल 180 डिग्री, और इसका स्ट्रक्चर हो गया लीनियर। यही हम बताना चाह रहे हैं कि अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, sp3, sp2 और sp का ज्योमेट्री क्या होता है। बताइए sp3 का ज्योमेट्री अल्केन का क्या बताया, बोलिए टेट्राहेड्रल। एल्कीन sp2 का ज्योमेट्री क्या होगा, बोलिए ट्राइगोनल प्लेनर, बोलिए ट्राइगोनल प्लेनर। अल्काइन sp का ज्योमेट्री क्या होगा, बोलिए लीनियर। अब बॉन्ड एंगल आप 109.5 डिग्री को 109 डिग्री 28 मिनट भी आप कह सकते हैं, और इसकी बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, sp बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। बॉन्ड एंगल के बाद बॉन्ड लेंथ आता है, जो बहुत एंगस्टर में आप लीजिएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा सब में 1 पॉइंट है, 1.54 एंगस्ट्रम, 1.34 एंगस्ट्रम, 1.20 एंगस्ट्रम, ये इसका बॉन्ड लेंथ हो गया। तो आपके पास नंबर ऑफ हाइब्रिडाइजेशंस में एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, यदि ये हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, इसमें नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं, 1s3p sp3, 1s2p sp2, 1s1p sp3, तो 3 and 1 4 नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, 2 and 1 3 1 1 2 द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। लेकिन आप बताइए, यदि इसको 100 को 4 से डिवाइड कीजिए तो कितना परसेंट आएगा, 25%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ एस फैक्टर आपके पास कंपटीशन में और एग्जाम में, प्लस टू एग्जाम में और कंपटीशन दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है द परसेंटेज ऑफ एस फैक्टर। हम पूछेंगे 25% एस फैक्टर किसका होता है, sp3 का। कैसे, यदि आपके पास एस फैक्टर 25% होगा तो 75% क्या होगा, टी करेक्टर। उसी तरह 100 को 3 से डिवाइड कीजिए तो कितना आ जाएगा, 33.33%। तो यहाँ पे इसका जितना कैरेक्टर, इसका कैरेक्टर आपने उसे 66.66 होगा पी, और एस कैरेक्टर 33.33% हो जाएगा। अब बताइए sp 50% टी 50%, 100 को 3 से डिवाइड कीजिएगा तो एस कैरेक्टर कितना परसेंट, 50%। तो आपने सीखा कि कितने कितने परसेंट एस कैरेक्टर आपने दिखाया, सभी का एस कैरेक्टर बताइए कि sp3 का 25%, sp2 का 33.33%, sp का 50%। बॉन्ड एंगल अभी आपने बताया कि 109.5 डिग्री, एल्केन का, एल्कीन sp2 का 120 डिग्री, और sp एल्काइन का 180 डिग्री। लेकिन आपसे यह पूछते हैं, जिसका बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी कैरेक्टर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा, एस कैरेक्टर। इसका मीनिंग ये हुआ कि यदि आपको बॉन्ड स्ट्रेंथ सेलेक्ट करना है कि जिसका एस कैरेक्टर सबसे कम होगा उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा। तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका है, तो आप बोलेगा सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ sp3 का है। क्यों, क्योंकि sp3 का 25% एस कैरेक्टर है, एस कैरेक्टर जिसका कम है उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हुआ कि नहीं, तो 25% जिसका एस कैरेक्टर रहेगा, इसका एस कैरेक्टर कम रहेगा उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगा। इसलिए सबसे ज्यादा एस कैरेक्टर किसका होगा, sp3 का, उससे कम sp2 का, उससे कम sp। वही यहां पर रिप्रेजेंट किए हैं sp3 sp2 sp।
सबसे ज्यादा आपके पास बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका होगा? एसिड बेस। इसलिए हुआ कि जिसका एसिड स्ट्रेंथ कम होता है उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होता। अब इस पे हम आप लोगों को कुछ ऑब्जेक्टिव बताने जा रहे हैं और वही ऑब्जेक्टिव आपको ये भी आपको कंप्राइज लिखा मिलेगा और ऑब्जेक्टिव भी पीडीएफ में भी और स्क्रीन शॉट कीजिएगा वो हम दे रहे हैं कंप्राइज। अभी कुछ ऑब्जेक्टिव क्या इस बात पे कहां कहां पे ध्यान दिए और इससे हमको क्या फायदा हुआ, क्यों पढ़े यह हार्डेशन, इतनी सी हार्डेशन से इन सभी बातों को सुनने और सीखने के बाद हमें क्या फायदा, हम क्या इससे फायदा उठा सकते हैं, क्या इससे किस तरह ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, आइए हम आप लोगों को दिखाते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव का टेक्निक और फिर से ऑब्जेक्टिव बना के आपको दिखाते हैं। इस हाइब्रिडाइजेशन पे कुछ ऑब्जेक्टिव आप कैसे बनाएंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव के लिए आपको कंप्लायंस हम दे रहे हैं पीडीएफ आपको स्क्रीनशॉट लीजिएगा, लेकिन उसको कैसे बनाए किस तरह ध्यान दीजिएगा मेरी इस बातों पर जो जो हम अभी हम सिखाए हैं, आइए देखिए। हम आपसे पहला ऑब्जेक्टिव पूछेंगे हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एस कैटर, जस्ट अभी हम बताए गए सबसे हाईएस्ट परसेंटेज 50% एस कैटर किसका था, एस टी कैटर, जस्ट आपको अभी एक टेस्ट बनाए थे इस तरह का ऑब्जेक्टिव और आपको कुछ कंपाउंड दे देगा उसमें बताए इसमें किस किस टाइप का हाइड्रेशन है। तो अभी हमने बताया था कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड पे ध्यान दीजिएगा, किस पे पार्ट पाई बॉन्ड, जहां जहां पाई बॉन्ड वन देख लीजिए, अब देखिएगा वन टू पाई बॉन्ड एस पी और वन पाई बॉन्ड एस पी टू, तो ये एस पी और ये एस पी टू, एस पी एस पी टू, जहां ऑब्जेक्टिव ये चॉइस लगाएगा वर्टिक लगाएगा, ऑल कार्बन एटम एस पी टू हाइड्रेशन, तो ऑल कार्बन एटम एस पी टू हाइड्रेशन आप कहीं चॉइस एक्सट्रैक्ट कीजिए, यहां पायबोन अल्टरनेट पायबोन दे दिए, यहां पायबोन पायबोन है फिर पायबोन नहीं है पायबोन पायबोन, तो यहां पे ऑल कार्बन एटम सभी कार्बन एटम के पास वन पायबोन होने के कारण sp2 ये भी sp2 ये भी sp2 ये भी ऑल कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ये चॉइस यहां रखा टिक रहेगा। अब आपके पास पूछा जाएगा ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो आपने यहां पे आपको एक ट्रिक बताया कि नंबर ऑफ पायबोन पे ध्यान दीजिए, टू पाई बॉन्ड देखिएगा इसको कहिएगा sp, वन पाई बॉन्ड sp sp sp2 जहां चॉइस रहेगा वहां टिक लगा दीजिएगा। अब बताइए बिट वन इन थ्री आयन, जैसे आपने बिट वन इन थ्री आयन है अब पूछेगा नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड कितना है, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कितने हैं, जानते हैं ध्यान दीजिए ट्रिक है, अल्किन अल्किन तो इसके पास एक पायबोन अल्किन में अल्काइन में दो पायबोन, तो दो पायबोन एक बार टोटल कितने पायबोन गए, थ्री पायबोन, जहां पे भी चॉइस में देखिएगा थ्री पायबोन होगा वहां टिक लगा दीजिएगा और यही ठीक है। इसके बाद जब सिग्मा बॉन्ड सेलेक्ट कीजिएगा आपको टोटल सिग्मा बॉन्ड मिल जाएगा, तो आपके पास सिर्फ आपका कंसेप्शन ऑफ पायबोन और बाद में सिग्मा बॉन्ड, लेकिन टाइम बचाएगा आपका पायबोन, उसके बाद आप सिग्मा बॉन्ड को सेलेक्ट कीजिए आपको उतना मिल जाएगा। फिर आपके पास टू मिथाइल बिट वन इन थ्री आई नंबर ऑफ सिग्मा पायबोन कितना आसान है, फिर सिग्मा पायबोन जैसे आया इन आई टू पायबोन यहां वन पायबोन कितने पायबोन, थ्री पायबोन, जहां चॉइस में थ्री पायबोन दिखाई देगा वहां टिक लगेगा, टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए टेन, तो ये स्ट्रक्चर बने इस तरह के टू मिथाइल वन बिट वन एंड थ्री आई, इसके पास नंबर ऑफ पायबोन देखिए बाकी सिग्मा बॉन्ड सेट कीजिए सिग्मा बॉन्ड थ्री पायबोन, लोएस्ट परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर तो 25% किसका एस कैरेक्टर होता है sp3 का, बॉन्ड लेंथ ऑफ द इथाइन इथाइन का बॉन्ड लेंथ एल्किन का आपने बताया था इतना होता है बॉन्ड लेंथ आपका sp3 का 1.20 भी बताए थे, और शेप ऑफ द मीथेन मॉलिक्यूल्स का अल्केन का टेट्राहेड्रल रेगुलर हमेशा टेट्राहेड्रल होता है इसलिए रेगुलर टेट्राहेड्रल लिखे, ऐसा कुछ ऑब्जेक्टिव आप कंप्राइज में देखिए।